हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। अक्सर देखा जाता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल से आग लगने से हादसे हो जाते हैं। थोड़ी सी जानकारी और जागरूकता से इन हादसों को रोका जा सकता है। ख़ास तौर से घर में महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर में लग जाने वाली आग की जानकारी और जागरूकता ज़रूरी है। घरेलू सिलेंडर और पेट्रोल आदि से लगने वाली आग को रोकने के बारे में अग्निशमन अधिकारियों द्वारा डेमो के माध्यम से बताए व दिखाए गए कुछ तथ्य और फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करने के तरीके आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गैस में आग लगी है, ये दो दो मेथड से आग बुझ गई आपका। एक तो उन्होंने नाजुक बंद कर दिया, ईंधन मिलना बंद हो गया तो आग बुझ गई। और दूसरा मेथड होता है, हम बाहर से किसी फोर्स के थ्रू ऑक्सीजन को वहां से अगर कट ऑफ कर देंगे तो भी हमारी आग बुझ जाएगी। जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर सरिता में लगाइए, इसमें खोलिए तो फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए मेनली आपने देखा होगा, लेकिन किसी को मालूम है इसको कैसे यूज करते हैं? इसमें सर ये सेफ्टी बल्ब लगा हुआ है, इसको पहले तोड़ा जाएगा सेफ्टी लॉक को। अब ये पिन निकाली जाएगी और इस पे बस यहाँ पकड़ना भी है, बस 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 इसको पकड़ना, करीब से करीब यहाँ करीब से करीब पकड़ना है इसको। पकड़ेंगे अपने आप निकल जाएगा? नहीं, ये दबाना पड़ेगा। ये देखिए ना, ये यहाँ एक छल्ला होता है, नहीं है इसमें। पकड़ करके इसको आप दाबेंगे ऐसे, देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, ये चीज जब तक इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक निकलेगा नहीं। मैम यहाँ पे एक सेफ्टी आपका ये लगा था लॉक, इसको यूज कभी नहीं होता ये सेफ्टी लॉक। आप तोड़ेंगे, एकदम पतली वायर होती है, इसको बस थोड़ा सा दो तीन बार ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे, अपने आप टूट जाएगा। उसके बाद में आपको फिर निकालनी है, फिर निकालने के बाद यहाँ प्लास्टिक का एक लगा होता है सपोर्ट के लिए, वो लगा होगा तो ये दबेगा नहीं, उसको हटा देना, उसको हटा देना, बाहर निकालना। आप आइए, आप डरिएगा नहीं, यहाँ हाथ डालिए, यहाँ से डालिए, डाल के इसको वही नाप पर रोक लीजिए, उंगली से रोकिए, डरिएगा नहीं, टंको नहीं, ठीक है? यही है आग जब भी लगती है, आग जब भी लगती है तो अपने नीचे वो जगह को छोड़ी रहती है, लौ उसकी दूर जाती है। जैसे खाना बनता है, जब कभी कभी कि इसमें भी लग जाती है ऐसा, मैं ठीक है, अभी यहाँ लगती है, करीब लगती है, ये प्रेशर से नहीं है, क्योंकि प्रेशर से नहीं है तो इसको बुझाने के लिए आप लोग कोई भी चीज नॉर्मली आप इसको कपड़ा है उसको बंद कर दीजिए तो गैस खाना बंद हो जाएगा। प्रेशर ही नहीं है, बाकी जो चीनी वाला बोरा जैसा सबने बताया, जूट का बोरा, कॉटन का कोई कपड़ा, अब बोरा वहाँ नहीं मिलेगा तो भारी तौलिया, जैसे घर में अगर आप यूज करते वजन वाला जो तौलिया उसको गीला करके उसको आप प्रेशर से मारेंगे, कुछ नहीं है। आपके यहाँ बाथरूम में प्लास्टिक की बाल्टियाँ होंगी, आप बाल्टी लेके आइए, पूरी फोर्स से इस पर ऊपर मार दीजिए। बाल्टी का साइज इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इससे थोड़ी सी बड़ी भी होगी तो यहाँ पे आकर रुक जाएगी, कुल मिला के वो यहाँ पे रुक जाएगी, तो यार जाएगा नहीं, वो जलेगा नहीं। और उसके अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो मान लीजिए घर आपका खुले में है तो आप बालू फेंक सकते हैं, उससे भी बुझ जाएगी, सूखी मिट्टी है उससे भी बुझ जाएगी, जैसा सर ने सवेरे बताया था, तो उन चीज़ों से भी इसको, इसके ऊपर आप प्रेशर से फेंकेंगे तो ये चीज़ बुझ जाएगी। पेट्रोल पंप वगैरह पे सर नॉर्मली ABC फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो वहाँ 25 kg वाले भी हम लोग रखवाते हैं, इसीलिए रखवाते हैं क्योंकि ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वहाँ आग लगी तो जल्दी से जल्दी, और वहाँ के कर्मचारी भी बहुत एक्टिव होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो आपका तुरंत ही आग लगते ही तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर, ये तो एक बार हमने चला दिया ये तो अब खत्म हो ही जाएगा। इसका जो केमिकल है इसका एक एक्सपायरी पीरियड भी होता है जी, इसका केमिकल का एक्सपायरी पीरियड नॉर्मली कंपनीज के हिसाब से जैसा वो बनाती है ये जो इसमें दोबारा से रिफिल हुआ है, दोबारा से रिफिल हुआ है, इसका एक्सपायरी पीरियड एक साल का लिखा हुआ है, ये इसका रिफिलिंग डेट है, ये इसकी एक्सपायरी डेट। सर ये तो हो गया आपका गैस की आग, जैसे सर ने बताया कि पेट्रोल डीजल की आग को कैसे आप बुझाएंगे, तो मेरे पास फोम होता है,
केमिकल होता है, में भी होता है जिसको पानी और उसको दोनों को मिला करके हमारे यहाँ पाइप इधर से आएगी और इसको यहाँ डिब्बे में रखा जाएगा, एक नली उसमें बनी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि इधर से पानी जाता है, इधर से फोम जाता है, दोनों का जब घर्षण होता है तो झाग बनता है। तो तेल की आग पर जब झाग बन जाता है तो पूरा ढक लेता है, जब ढक लेता है तो एयर उसको मिलती नहीं है, इस मदरी में तो एकदम घोंट करके आग को बुझाता है। बबूल जो है जैसे एयर को लिए रहता है बबूल, जैसे किसी को कोई जान से मारना चाहता है तो अगर ये बंद कर लेता है तो छटपट आता है, सेम वही आग की कंडीशन है। जब ये एयर नहीं मिलेगी तो आदमी ऐसे छटपटा के मर जाएगा, सेम वही कंडीशन आग की है। हमारे पास एक टीटीएल गाड़ी है, आई है रसिया से, लगभग 6 करोड़ के आसपास की है और बड़े बड़े शहरों को जैसे आपका गाजियाबाद हुआ, आगरा हुआ, बनारस हुआ, लखनऊ हुआ, कमाल टाउन, उसके लिए लगभग 42 मीटर की ऑटोमेटिक सेंसर पर टोटल काम करती है। वो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, 10 मंजिला है, हमको आदमी वहाँ फंस गया, आग लगी है, फंस गया है, कोई चहुआ नहीं है कि वो किधर से निकल पाए, उस दौरान हम लोगों की गाड़ी जाएगी, खड़ी हो जाएगी और टोटल जैक पर खड़ी होगी, वो 4 जैक उसमें होते हैं, खड़ी हो जाएगी। उसके बाद से एक ऑपरेटर बैठ जाएगा उस पर लिफ्ट पर, एक बैठेगा नीचे, 2 ड्राइवर उसमें काम करेंगे, ऊपर उसमें टोटल सिस्टम लगा है, जितनी आवश्यकता होगी ऊपर से कॉल करेगा ड्राइवर साहब को कि आप लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, ऊपर करिए, नीचे करिए, दाएं करिए, बाएं करिए, माइक्रोफोन द्वारा सब उसमें सुनाई देता है और जहाँ जाना होगा उस पर ले करके वो जाते हैं, जा करके वहाँ उसी से, उसमें ब्रांच भी लगा है ऑटोमेटिक, आग भी बुझाते हैं और पब्लिक वहाँ जो कैजुअल्टी हमारी है, जो जनता है, उनको उसमें 4-6 लेकर के फिर धीरे धीरे उसको नीचे आती है, लगभग 100+ फीट ऊपर हो जाती है। देखिए दिखाओ, ये केमिकल और तेल की आग पर ज़्यादा यूज होती है, विशेष तौर से जब कोई वीआईपी आता है, वो जैसे हेलीकॉप्टर है, जहाज है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो भी हैं, तो उनके जो भी सिक्योरिटी एसपीजी के लोग होते हैं, वो अगर फायर की गाड़ी नहीं देखेंगे तो कतई हेलीकॉप्टर उतार नहीं सकते, लाल गाड़ी देखेंगे। और 2 दिन प्रधानमंत्री कार्यक्रम हफ्ता पहले चलता है तो उनके जो एसपीजी के सिक्योरिटी होते हैं वो आते हैं, बेर बेर इसको चेक करेंगे कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और वहाँ उतर रही है फ्लाइट तो यहाँ पर हमको रहना है ज़्यादा से ज़्यादा करीब, ताकि अगर कोई बात हो, जैसे पता लगा पहिया घस रही है, आग लग गई, तो तत्काल उस समय हम लोग पाइप को सारा एकदम एक्यूपेट रेड करके एकदम रेडी रहते हैं, पाइप को फोल्ड कर लेंगे, इसको निकाल करके एक जगह नाप करके कि यहाँ तक आएगा, लेके पड़े रहते हैं और लेके फिर भागते हैं, ताक दे काम होता है। और जब भी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतरती है तो हमारी गाड़ी कंटिन्यूसली स्टार्ट रहेगी, पंप गियर लगा होगा, स्टार्ट रहेगी, एकदम रेडी है। तो फिर रुक जाइए संडे तक, मंडे आएंगे, मंडे ट्रेनिंग है, हाँ 7 को 8 को फिर नहीं आएंगे, आपको 30 सेकंड से चल जाएंगे, 8 को तो वापस नहीं आएंगे, नहीं 8 को वापस ही आएंगे ना, हाँ मन जाएंगे, संडे मंडे मंडे हो जाएंगे, मंडे आएंगे। इतना ही गाड़ी का हमारे लिए छुटाएगा पानी का, उतने अच्छा ठाक बनेगा। नहीं। 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 नहीं।
वो बनना चाहिए देश ऐसा नहीं बना, ये पूरा फुहाड़ा एकदम से हो जाता है, क्योंकि जब हम उसको कम से कम 70-80 पाउंड प्रेशर से चलाएंगे, दो लोग लगेंगे तो जितना स्पीड से आएगा उतने मत देगा और पूरा झाग बन जाता है। ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, बी सी और ई चारों प्रकार की आग पे काम करता है। देखिए भाई दूर से मारो, दूर से मारो था, बस 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 बस। जब ये कीट नहीं होगा तो ये कभी नहीं फटेगा मैडम, इतना ये पावरफुल बना रहता है। इसको किस टेम्परेचर पर बनाए हैं, जब बहुत आग बड़ी होती है ये घंटा दो घंटा जब तपेगा तब फटेगा, उसके पहले नहीं फटेगा। दो तीन घंटे लौ में जब ये पड़ेगा, इसके जो लोहे है हीट होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा तब फटेगा, अन्यथा इतना जल्दी फटता नहीं है। ये इतना प्रेशराइज करके भरा हुआ है कि इससे जब भी आग निकलेगी इसकी बॉडी से टच नहीं होगी। रेगुलेटर आपका लगा हुआ होगा, वो ऊपर ही ऊपर जलेगा। जैसे अभी हमने जलाया था, आपने उंगली से बुझाया तो कितनी दूर उसकी फ्लेम थी, अगर फ्लेम करीब होती तो आपकी उंगली जल जाती। कहीं आग घर में लगे, अन्य जगह कहीं लगी हो, आप फंस गए हैं, कुछ मत करिए, लेट जाइए, केवल लेट जाइए क्रोल पोजीशन में। चूंकि आग जो भी होती है जमीन से 1-1.5-2 फुट ऊपर होती है, आप लेट जाएंगे आपको एयर भी मिलेगी, दम भी नहीं घुटेगा और धीरे 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 इसके बल जो है जिधर आपको रास्ता निकलने का हो उधर धीरे धीरे निकल जाइए।